सरकार सागौन के पेड़ को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ और वन विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से अवैध कटाई और अतिक्रमण का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा ही एक ताजा मामला वन परिक्षेत्र लाजकुई के अंतर्गत आने वाले सलकिल नयापुरा में इन दिनों अवैध कटाई और अवैध वन भूमि पर कब्जा कर वन भूमि को खेती योग्य बनाने का सिलसिला जारी है। सर्किल नयापुर की बीट सिराड़ी में कई एक बड़ा वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर खेती योग बनाया जा रहा है और ग्रामीणों का मानना है कि इसमें वन संरक्षक अमर सिंह रावत की मिली भगत भी शामिल है। अवैध कब्जा करार कर खेती कराई जा रही है, जिसकी जानकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी पंकज शर्मा से ली गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी जाँच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी भी अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायित्व को नहीं समझ रहे हैं, जिसके कारण वन रक्षक के हौसले बुलंद हैं। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि वन रक्षक की मौजूदगी में सिराड़ी नाके से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर एक व्यक्ति द्वारा मुनारे के अंदर वन भूमि में पेड़ों को काटकर खेती योग्य बनाया गया है, जिस पर वन रक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें उसकी मिली भगत होने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा रहा है।